ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको देव पूजन में कुछ विचारणीय बातें बताने जा रहे हैं, जो परम आवश्यक है जानना, क्योंकि तभी हमें अच्छी प्रकार से पूजा का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं, ये बातों को हमेशा ध्यान रखें। प्रत्येक पूजन में, देव पूजन में पुष्प अधोमुख करके न चढ़ाएं, वे जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ाएं। बिल्व पत्र को उल्टा करके अधोमुख चढ़ाएं तथा कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल न छिड़के, अर्थात कुशा के अग्रभाग को तोड़कर ही देवताओं में कुशा से जल छिड़कना चाहिए। धोती में रखा हुआ और जल में डुबाया हुआ पुष्प देवगण ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान शंकर को कुंद, भगवान विष्णु जी को धतूरा, देवी को आक मदार और भगवान सूर्य नारायण को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को चावल, भगवान गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी को दूर्वा और सूर्य को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। देवताओं के प्रीत्यर्थ प्रज्वलित दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। हाथ में धारण किए गए पुष्प, ताम्रपात में रखा गया चंदन और चर्म पात्र में रखा गया गंगा जल अपवित्र हो जाता है। इसलिए कभी भी चंदन को ताम्रपात में नहीं रखना है, हाथ में लेकर के पुष्प नहीं चढ़ाना है, चर्म पात्र में गंगा जल कभी रखना ही नहीं है। और दीपक को दीपक से जलाने पर मनुष्य दरिद्र एवं रोगी होता है। एक हाथ से प्रणाम करने तथा एक प्रदक्षिणा करने से पुण्य नष्ट होता है। केवल चंडी और विनायक की एक ही प्रदक्षिणा का साधारण विधान बताया गया है। मांगलिक कार्यों में दूसरे की पहनी हुई अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए। सभी पूजा कर्मों में पत्नी को दक्षिण अर्थात दाहिने में बैठने का विधान है, किंतु अभिषेक और विप्रपाद प्रक्षालन तथा सिंदूर दान के समय वाम भाग में ही अर्धांगिनी के बैठने का विधान शास्त्र सम्मत है। स्त्री आचमन के स्थान पर जल से नेत्रों को पोंछ ले या इतना आचमन करे जो केवल जीभ तक ही पहुँचे। स्त्रियों के बाएं हाथ में ही रक्षा सूत्र बांधने का शास्त्रीय विधान है। यज्ञ के अंत में पान सुपारी अक्षत आदि सहित घृत से भरे हुए नारियल की गड़ी को पीले वस्त्र से लपेट कर रक्षा सूत्र एवं माला आदि से वेष्टित कर पंचोपचार से पूजन कर पूर्णाहुति दें, किंतु वैवाहिक होम में और घर के भीतर नित्य होम में पूर्णाहुति नहीं देना चाहिए। शनिवार, मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ न करें। स्कंद पुराण के अनुसार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पौष शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का अनुष्ठान एवं पूजन करने से अभीष्ट की उपलब्धि होती है, मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। इसलिए इन बातों का सदैव पूजन में ध्यान रखना है, अन्यथा यदि हम इन शास्त्र के विरुद्ध पूजन क्रम को करेंगे तो हमें अनिष्ट प्राप्त होगा उस पूजन का। इसलिए सदैव इन बातों का ध्यान प्रत्येक पूजन में रखना है। आज के लिए इतना ही। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसे देख सकें। आपके लिए धन्यवाद।